सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शुरू में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सालों पुराने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, यानी आप अपने सालों पुराने डिलीटेड फोटोज को दोबारा कैसे वापस ला सकते हो। क्योंकि गाइस, काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे गैलरी के जो फोटोज हैं वो गलती से हमसे डिलीट हो जाते हैं, या हमारा फोन फॉर्मेट हो जाता है, रिसेट हो जाता है। दोस्तों, हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट रिसेट करने के बाद हमारा डेटा लॉस हो जाता है, फोटो वीडियो सब कुछ डिलीट हो जाता है, हम उसको दोबारा से वापस नहीं ला पाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में गाइस, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने सालों पुराने डिलीटेड फोटोज को दोबारा से वापस ला सकते हो, रिकवर कर सकते हो। आपके फोन में एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है फोटोज एप्लीकेशन, ठीक है? काफी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो फोटोज एप्लीकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यूजफुल फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी एप्लीकेशन से हम डिलीटेड फोटोज को दोबारा से रिकवर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप फोटो एप्लीकेशन में बैकअप क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने फोटो वीडियो को लाइफ टाइम तक के लिए सेव कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका फोन चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो दोस्तों आप नए फोन में बहुत ही आसानी से अपने फोटोज को रिकवर कर सकते हो, आपका एक भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कैसे आपको फोटो एप्लीकेशन को यूज करना है। क्योंकि गाइस, जो फोटो एप्लीकेशन है ये सभी फोनों में होता है, ठीक है? आपको इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है। आप चाहे किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, आपको फोटो एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, ये गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कैसे आपको इसमें फोटो को अपलोड करना है, कैसे आपको बैकअप क्रिएट करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिलीटेड फोटोज को कैसे रिकवर करना है, ठीक है? सिंपली आपको इसको ओपन करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो दोस्तों आपके गैलरी में जितने भी फोटोज होंगे आपको यहां पर शो हो जाएंगे। आप देख सकते हो हमारे गैलरी में ये सब फोटो हैं, ठीक है? ये सारे फोटो हैं। अब हम फोटो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे सेम फोटोज यहां पर शो हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो फोटोज हैं ये फोटो एप्लीकेशन में अपलोड नहीं हुए हैं, ठीक है? ये फोटो एप्लीकेशन में अपलोड नहीं हुए हैं। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फोटो एप्लीकेशन में फोटोज शो होते हैं तो उनको लगता है कि फोटोज हमारे फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आपको इनको अपलोड करना होगा, इनका बैकअप क्रिएट करना है। दोस्तों, अब हम सबसे पहले कुछ फोटो कैप्चर करते हैं, ठीक है? फोटो खींचते हैं तो यहां पर मैं कुछ फोटो खींच लेता हूं। तो दोस्तों, मैंने कुछ फोटो खींच लिया है, ठीक है? अब चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूं कि कैसे आपको फोटोज को फोटो एप्लीकेशन में अपलोड करना है। आप देख सकते हो मैंने इतने फोटो कैप्चर किए हैं, ये फोटोज फोटो एप्लीकेशन में शो होंगे, ठीक है? हम फोटो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आप देख सकते हो यहां पर फोटो एप्लीकेशन में ये फोटोज शो हो रहे हैं। आपको सिंपली इनका बैकअप क्रिएट करना है, इनको अपलोड करना है, ठीक है? यहां पर आपको क्लाउड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस तरह फोटो एप्लीकेशन में अपलोड कर देना है। आप यहां पर देख सकते हो अपलोडिंग स्टार्ट है, तो ये वाला जो फोटो है अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हो क्लाउड का जो ऑप्शन है वो गायब हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये फोटो अपलोड हो चुका है। इस तरह आप एक एक करके भी फोटो को फोटो एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हो। अगर आप एक साथ करना चाहते हो सिंपली आपको इस तरह सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है, आपके ये जो फोटोज हैं फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो फोटो अपलोड हो रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा। और दोस्तों, फोटो एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको एक काम करना है, ठीक है? आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अपने जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे जो फोटोज हैं ये जीमेल अकाउंट पर ही अपलोड होते हैं। आप एक जीमेल पर 15 GB तक का डेटा फ्री में अपलोड कर सकते हो। तो यहां पर हमारा जो बैकअप है वो क्रिएट हो चुका है, ये सभी फोटोज फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो चुके हैं।
आप यहां पर देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम इनको गैलरी से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, गैलरी से डिलीट कर देते हैं, तब भी ये फोटोज फोटो एप्लीकेशन में शो होंगे। ठीक है, यहां से हम इनको डिलीट कर देते हैं, इसके बाद यहां से हम रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से भी हमने इनको परमानेंटली डिलीट कर दिया है। अब हम फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमने गैलरी से फोटोज को डिलीट कर दिया था, तब भी ये फोटोज यहां पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप अगर इनको डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आप इनको गैलरी में शो करना चाहते हो, सिंपली आपको यहां से इन फोटोज को डाउनलोड कर लेना है। आपको इस तरह फोटो को डाउनलोड कर लेना है। आप यहां पर देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, तो ये जो फोटो है ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम गैलरी को ओपन करते हैं, आप देख सकते हो गैलरी में फोटो आ चुका है। इस तरह गाइस आप गूगल फोटो एप्लीकेशन में फोटोज को अपलोड कर सकते हो। दोस्तों ये काम आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। आपको फोटो एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसके बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फोटो सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड सिंक का, आपको यहां से इसको ऑन कर देना है। दोस्तों जब आप इस सेटिंग को ऑन करोगे, ठीक है, तो आपके जो फोटोज हैं वो ऑटोमेटिक फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान यह है कि आपके गैलरी में जितने भी फोटोज होंगे 1000, 2000, 5000, 200, 400 सभी फोटोज ऑटोमेटिक अपलोड होने लगेंगे। आपका जो इंटरनेट डेटा है वो ऑटोमेटिक जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। दोस्तों आपको उन्हीं फोटोज को अपलोड करना है जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं फोटोज को अपलोड करना है। अगर आप इसको हमेशा ऑन करके रखोगे तो होगा क्या कि जब आप कोई भी नया फोटो कैप्चर करोगे, खींचोगे, दोस्तों वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान देना है। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर हम डिलीटेड फोटोज को कैसे वापस लाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले कभी इस सेटिंग को ऑन किया हो, तो दोस्तों आपके फोटोज का बैकअप क्रिएट हो गया हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको डिलीटेड फोटोज को वापस लाना है। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको इंटरनेट को हमेशा ऑन रखना है। इसके बाद आपको यहां पर सर्च करना है photos.google.com। ठीक है, आपको यहां पर सर्च कर लेना है photos.google.com। आपको यहां पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा photos.google.com, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों फोटो एप्लीकेशन का जो वेब पेज है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। आपको वही जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसको आप यूज करते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फोटोज पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी पहले के फोटोज होंगे आपको यहां पर शो हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी पहले के फोटोज होंगे आपको यहां पर शो हो जाएंगे। ये जो फोटोज हैं ये मेरे गैलरी में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इनका बैकअप ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था। ये सालों पुराने फोटोज हैं, आप देख सकते हो यहां पर डेट भी आ रहा है, कब का फोटो है यहां पर शो हो रहा है। 2020, 2017, 2015 तक के फोटोज हैं, यानी आप यहां पर देख सकते हो 2015 का फोटो, यानी 7 साल पुराना फोटो भी हमारे पास है। ठीक है, जैसे यहां पर हम नीचे जाते हैं यहां पर पूरा डेट वाइज आ रहा है, आप देखो 2019, 2015, ये जो फोटोज हैं ये 2015 के फोटोज हैं। ठीक है, ये काफी पुराने फोटोज हैं। दोस्तों अगर आप इनको वापस लाना चाहते हो तो सिंपली आपको यहां से इनको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आपको इनको डाउनलोड करना होगा। आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली फोटो पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको फोटो पर क्लिक करना है, जो भी फोटो आप वापस लाना चाहते हो उस फोटो पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमें कोई एक फोटो वापस लाना है, ये वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे ये फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरह गाइस आप गूगल फोटोज एप्लीकेशन से डिलीटेड फोटोज को दोबारा से वापस ला सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि ये जो बैकअप वाला सेटिंग है, ठीक है, ये हमारे गूगल फोटो एप्लीकेशन में ऑन होता है, हमारे गैलरी के फोटोज का बैकअप क्रिएट हो जाता है, हमें इसका पता नहीं चलता है। तो दोस्तों आप एक बार ट्राई करो, हो सकता है कि आपके डिलीटेड फोटोज दोबारा से वापस आ जाएं, आपको दोबारा से मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो फोटोज हैं ये मेरे गैलरी में नहीं है। ठीक है, इनका बैकअप क्रिएट हुआ है। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप यहां पर देख सकते हो स्टोरेज,
यहाँ पर 15 GB हमें जीमेल में फ्री मिलता है, ठीक है, जीमेल में हमें फ्री मिलता है। 14.5 GB यहाँ पर यूज हो चुका है, जीमेल में हमारे सारे फोटोज अपलोड हैं। इस तरह गाइस आप अपलोड करके लाइफ टाइम तक सेव कर सकते हो, और दोस्तों आप रिकवर भी कर सकते हो। अगर आपके गैलरी के फोटोज डिलीट हो जाते हैं तो आप इस तरह अपने डिलीटेड फोटोज को दोबारा से वापस भी ला सकते हो इस ट्रिक को यूज करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।